और हाँ, आपको फर्स्ट गुड न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, आपके भाई के चैनल पर है ना आज 900 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहो और जैसे और जल्द से जल्द है ना दोस्तों 1K मेरा कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जितना हो सके ना पॉसिबल 1K जल्द से जल्द मेरे को कंप्लीट करना, मतलब कंप्लीट करना है, ये मेरा ड्रीम है। कैसे भी एक क्या ही बोलूँ बताओ यार, कस्टमर जिन्होंने बुक किया ना उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, और जिन्होंने बुक किया ना मीन्स उनका ही पिकअप लोकेशन में उनका ही नंबर है और ड्रॉप लोकेशन में उनका ही नंबर है, उनको कॉल कर रहा हूँ 10 मिनट से, 2 मिनट पहले मेरे से बात की है, अब 10 कॉल लगा चुका हूँ, तो क्या ही करे बताओ। और एक दूसरी गुड न्यूज़ है आपको मैं शेयर कर देता हूँ, अभी जो लास्ट वीक था ना, ये अभी जो गया वीक आज तो सोमवार है, तो जो गया वीक था ना मंडे से लेके फ्राइडे तक मैंने कम से कम कोटा पर है ना अर्निंग देख लो सिर्फ मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग, मैं आपका दोस्त विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो में। सुमित का तो दोस्तों आप सब बढ़िया के स्वस्थ हो गए मस्त हो गए। सभी बच्चों के लगभग 10:20 अभी मैं निकल रहा हूँ अपने फील्ड पर और जा रहा हूँ अपने फेवरेट लोकेशन पर गोरेगांव में उमिया माता मंदिर के इधर। सोचा था कुछ नहीं, मेरे घर से कम 1.2 किलोमीटर का ये मेरा लोकेशन है, तो वहां से मैं पोर्टल ऐप पर लॉग इन हो जाता हूँ और जो भी इनकम और जो भी इन्फॉर्मेशन वहां से पूरा स्टार्ट करता हूँ। तो अभी चलते सीधा अपने लोकेशन, वहां से अपना पोर्टल का डिवाइस लॉग इन करते हैं। तो अभी मैं आ चुका अपने फेवरेट लोकेशन पर गोरेगांव में मतलब मंदिर के इधर, तो यहां से मैं अपना पोर्टल का डिवाइस लॉग इन करता हूं। और आपको मैं 2 गुड न्यूज आज शेयर करने वाला हूं, जो कि पूरे मेरे ब्लॉग के एंड होने के पहले आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जितना हो सके भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ब्लॉग देखो और गुड न्यूज क्या है पहले सुनो। एक तो अभी मैं बता देता हूं क्या है, क्योंकि मेरी पिछले हफ्ते की जो कमाई ना वो आपको मैं पूरा शेयर करूंगा, इसलिए भाई पूरा ध्यान से पूरा ब्लॉग देखो और देखो मेरी अर्निंग कितनी हुई, और ये वीक की भी अर्निंग मैं आपको पूरा बताऊंगा वीक के एंड तक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फटाफट पोर्टल पर लॉग इन हो जाता हूँ और जैसे मुझे ट्रिप आएगा आपको वैसे मिलता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, देखो अभी मुझे आ चुका है पोर्टल पर ट्रिप, इसका पिकअप लोकेशन है गोरेगांव में और इधर गोरेगांव वेस्ट दिखा रहे कोई बात नहीं, और इसका ड्रॉप लोकेशन है नवनीत कॉलोनी अंधेरी वेस्ट में। तो ये ट्रिप मैं उठा लेता हूँ और ये ट्रिप मैंने उठा लिया हूँ प्रवासी इंडस्ट्री में, इसका पिकअप लोकेशन है, इसका ड्रॉप लोकेशन है BMC मार्केट, चलो मेरे को पता है ये कहाँ पे, तो लो जाते भी सीधा इनकी पिकअप लोकेशन, ठीक है। सोहे का स्टाइल अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन, और ये कस्टमर ने ना भाई ऐसा दिमाग लगाया ना सच्ची में, इनका मेन पिकअप लोकेशन है प्रवासी इंडस्ट्री में और मुझे बुलाया प्रवासी इंडस्ट्री के अपोजिट में। कितना है अभी? 8-10 हो गया ना, 12-13 हो गया। दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया मालूम है, पहले पिकअप लोकेशन गलत पिकअप लोकेशन में बुलाया जहाँ पे मटेरियल ज्यादा लोड करना है, और जो मेन पिकअप लोकेशन प्रवासी वो सिर्फ पोर्टल पटना ऐप पर डाला है, और इनको मैंने बोल जब भाई एक्स्ट्रा पैसा लगेगा और देने के लिए रेडी है, भाई दिवाली का टाइम है हक से मांगो भाई पैसा, और इनका गलती भी है बराबर की नहीं, और सब कुछ सही रहता तो मैं पैसा नहीं मांगता, गलती है भाई अपने को एक्स्ट्रा लगेगा पैसा। तो जो भी रहेगा आपको मैं पूरा ब्लॉग के एंड में पूरा बता दूंगा या तो ट्रिप के एंड तक पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ मटेरियल है पूरा लोड कर रहा हूँ, ये कुछ बॉक्सेस रहते हैं ना कुछ भी मिठाई बिठाई का वो सब पूरा बॉक्सेस है, चलो अभी इधर फटाफट लोड कर लेते, ठीक है। सो अभी मैं आ चुका हूँ सेकेंड पिकअप लोकेशन, तो मेन पिकअप लोकेशन था ना प्रवासी इंडस्ट्रियल, तो देखो ये प्रवासी इंडस्ट्रियल है और यहाँ पे देखो ये पिकअप लोकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टार पैकेजिंग करके, तो अभी यहाँ पे पूरा अभी मटेरियल अभी आधा अनलोड हो रहा है, लोड हो रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हो देखो पूरा मिठाई का पूरा बॉक्स है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ हो ना आपको मैं बता दो एक्स्ट्रा पैसा लिया करो, जैसे अभी वेटिंग चार्ज तो लगेगा लेकिन आपका भी इसमें फ़ायदा है, जैसे मैं अभी पूरा फ़ायदा करके ले रहा हूँ, वेटिंग चार्ज लगेगा लेकिन भाई फ़ायदा होने का अपने को मतलब है, और कस्टमर की गलती है बराबर की नहीं, तो ये पूरा आप पूरा ध्यान में रखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ट्रिप के अनुसार। तो अभी फटाफट लोड करता हूँ सीधा मतलब अपने ड्रॉप लोकेशन अंधेरी बेस में नवनीत कॉलेज में, वहाँ पर मेरा ड्रॉप लोकेशन है, ठीक है। अभी सीधा अपने ड्रॉप लोकेशन ही मिलेंगे, वहाँ से अपना ब्लॉग वापस कंटिन्यू करेंगे। सो अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन, तो जैसे कि आप देख सकते हो देखो ये है अंधेरी सबवे, जहाँ से अपनी गाड़ी पास नहीं हो पाती, लेकिन मैं SV रोड से भी आया हूँ अपने कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन, और ये है मेरा ड्रॉप लोकेशन, जैसे कि आप देख सकते हो देखो यहाँ पे टेम्पो मस्त लगा था एकदम साइड में, लेकिन पुलिस वुलिस का थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि बार बार ट्रैफिक हवलदार आते रहते, तो साइड में मस्त पार्क करके साइड में खड़े रह जाने का, देखने का यहाँ वहाँ एक फ़ोटो ना खींचे,
तो यहाँ भी देखो अभी मटेरियल को अभी अनलोड हो रहा है यहाँ पे पूरा, और इतना कुछ बॉक्सेस से मिठाई के तो यहाँ पे पूरा अनलोड हो जाएंगे और फिर मैं फ्री हो जाऊँगा नेक्स्ट ट्रिप मारने के लिए। सो ही गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ गोरेगांव वेस्ट में। तो यहाँ पे आने का रीज़न आपको मैं पूरा बता देता हूँ। वहाँ पे मैं अंधेरी वेस्ट में ड्रॉप किया ना सबवे के पास, वहाँ से इतना ट्रिप जल्दी आता नहीं, तो मुझे पता है कि कहाँ से आज ट्रिप आता है कहाँ से नहीं आता, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस मैटर करता है। और बहुत लोग मेरे को मिलने आते हैं और कॉल पर बात करते ना, उनको मैं बहुत सारे सजेशन देता हूँ कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ से ट्रिप आपको मिल जाएगा। भाई जितना इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ रहता हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं सकता, इतना मैं आपको गारंटी बता देता हूँ। होटल से रिलेटेड मुंबई में उतना आपको इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं देगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने लिए सोचते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है भाई। जो है भाई सब कुछ कमाओ, सब खाओ बराबर कि नहीं, बस मेहनत करो और अपने काम पे फोकस करो, मैं यही सबको बोलता हूँ। और हाँ, आपको फर्स्ट गुड न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, आपके भाई के चैनल पर है ना आज 900 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके, तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहो और जैसे और जल्द से जल्द है ना दोस्तों 1K मेरा कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जितना हो सके ना पॉसिबल 1K जल्द से जल्द मेरे को कंप्लीट करना, मतलब कंप्लीट करना है, ये मेरा ड्रीम है। और ये सब आप ही मुझे सपोर्ट करके मेरा ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना ज़्यादा बोलने जा भाई, बहुत मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे ही 900 सब्सक्राइबर्स हो गया ना, वैसे मम्मी को बोला मम्मी जल्द से जल्द मेरे 1K हो जाएंगे। तो जैसे ही 1K हो जाएंगे मैं अपने पूरी फैमिली को पूरी मिलाने वाला हूँ और यूट्यूब पर लाइव आने वाला हूँ। तो जितना हो सके भाई इतना सपोर्ट करो और जितना हो सके वीडियो को मेरे शेयर करो, ठीक है। तो अभी थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, अभी बज चुके लगभग 12:35, वापस अभी मैं पोर्ट ड्राइव पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो देखते हैं अपने को यहाँ से ट्रिप आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको मैं पूरा ब्लॉग में शेयर कर दूंगा और जितना हो सके पूरी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से मिल चुका है ट्रिप होटल ऐप पर, इसका पिकअप लोकेशन कोरेगा वेस्ट में ही, और ये ट्रिप मैंने उठा लिया हूँ। और इसका पिकअप लोकेशन आमेज एंटरप्राइज है, इसका ड्रॉप लोकेशन है जूहू तारा रोड। तो जाते हैं अभी सीधा इनके पिकअप लोकेशन। सो ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो अभी पूरा मटेरियल पूरा लोड हो रहा है, तो ये कुछ ज्वेलरी वगैरह रखते हैं ना उसका मटेरियल है, बॉक्सेस वगैरह। ओके ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। इतना ही है ना, अभी इतना ही कि और है, हो गया ना। चलो अभी से निकलते अपने ड्रॉप लोकेशन। तो फिर गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन जूहू तारा रोड वहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं वहाँ से निकला ना, एक सब्सक्राइबर से उसका कॉल आ चुका था। तो वो क्या बोलते हैं, मैंने मेरा नाइट में काम रहता है तो मैं ज़्यादा इतना बात नहीं कर पाऊंगा नाइट में, जितना मैं डे में आपको बात कर सकता हूँ, तो जो भी थोड़ा बात कर रहा था। तो देखो अभी पूरा मटेरियल अभी अनलोड हो रहा है, तो देख सकते हो अमरापली जो जयपुर है ना अपना ड्रॉप लोकेशन है, और वहाँ पे है JW मेरिट, और यहाँ पे है स्टारबक्स। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो स्टारबक्स है, उसके जस्ट बाजू में अपना ड्रॉप लोकेशन है। तो यहाँ पे पूरा अनलोड हो रहा है मटेरियल, तो फटाफट भाई अनलोड कर लेता, क्योंकि पुलिस ने मेरे को बोला कि जल्दी गाड़ी हटाओ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ट्रैफिक हो जाता है इसके वजह से, और अलाउड नहीं एक्चुअली पहली बात। तो देखो नो पार्किंग का देखो बोर्ड भी लगा है आगे, वो साइड आगे लगा नो पार्किंग का बोर्ड। तभी भी भाई रिक्स लेके काम करने का और कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास, बराबर कि नहीं। जैसे कि आप देखते थे, देखो ये है जूहू चौपाटी, और अभी मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ एक लोकेशन पर जहाँ से ट्रिप मिलता है। सो अभी जाके मुझे मालूम पड़ेगा वहाँ से ट्रिप मिलेगा कि नहीं, तो आपको मैं तो पूरा बता दूंगा। ये देखो जूहू बीच का, देखो बस एकदम लोको टाइप पूरा बना दिया है यहाँ पे, पूरा वन हैंड ना, अभी भी पूरा वन हैंड पूरा गाड़ी है मेरा वहाँ से यहाँ तक। भाई आदत होगा, अभी क्या ही करें, ये आदत जाती नहीं। सो अभी सांता क्रूज आया था, गाड़ी देखो यहाँ पे लगा दिया हूँ, और 10 भाई मेरे को मिल चुके, देखो क्या बोलते मस्तर मस्तर। यही मुझे यूट्यूब पे हमेशा है ना कुछ चैलेंज देते रहते, तो यही दशरथ भाई है, और इनके टेम्पो है मस्त डिजाइन किया उसने, 35 लगाए, एक नंबर है। हवा नहीं क्या टेम्पो में, क्या मालूम अब इतना ही पहले से इतना ही है, नहीं देख लो। अभी ऑर्डर पे जा रहे होगी, बस परेल निकल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं देख लिया आपकी टेम्पो बराबर, मैं पीछे से देखा, खोलो ना इसको 47 AW। हाँ देख भाई का इंटीरियर बहुत मस्त है यार, है ना।
बहुत प्यारी गाड़ी है, स्पीकर भी लगा सकते हो अच्छे से। दशरथ बोल रहा हूँ, अभी विवेक भाई मेरा टेम्पो चला के देखेगा कि कैसा है। विवेक भाई रेडी हो जाओ, चलो फुल फंटास्टिक में है भाई। विवेक भाई भी खुश हो गए अंदर बैठ के। अरे जोगेश्वरी मत निकल जाना विवेक भाई, मेरे को परेल निकलने का है। आपको टेम्पो का चाबी भी नहीं दिखेगा आप तो। चिंता नहीं, उनका टेम्पो छोड़ के तो जाएगा ना, मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस वो देखो विवेक भाई आ रहे हैं, रिटर्न लेके आ रहे हैं टेम्पो। अभी देखते हैं, बोलते तो मैं देखता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं टेम्पो क्या। फुल मस्त में चला रहे वैसे तो विवेक भाई, एक नंबर। कैसा है विवेक भाई? तो थैंक यू सो मच दशरथ भाई अपना टेम्पो देने के लिए, चलाने के लिए। बहुत बढ़िया टेम्पो है, बहुत बढ़िया। मैं फर्स्ट टाइम चला ऐसे टेम्पो, फर्स्ट चला के पहली बार देखा मैं। आपका कौन सा? मैं सिर्फ रिव्यू लिया हूँ, मेरा BS6 है वो देखो वहाँ पे, BS6 लाल परी वहाँ पे। अभी अपने टेम्पो को नाम रख देने का। रखा है ना, क्या रखा है बोल। चलो चलो फिर भी ना कभी यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है? चले सौ भी चलो, हाँ सौ भी चलो, सीधा जाते हैं अपने पिकअप लोकेशन। तो यहाँ से कम 2.2 किलोमीटर का मेरा पिकअप लोकेशन है, और मेरा ड्रॉप लोकेशन आपको पता ही है अंधेरी ईस्ट में। तो गाड़ी खोल लेता हूँ, तो निकलते हैं अपने पिकअप लोकेशन। सो फाइनली मटेरियल लोड करके भी मैं निकल चुका अपने ड्रॉप लोकेशन अंधेरी ईस्ट में, महाकाली केव्स रोड पर। और ये ट्रिप का जो ड्रॉप लोकेशन है ना, कम से कम कुछ 6.2 किलोमीटर का मेरा ड्रॉप लोकेशन है, और ये छोटा ट्रिप है। और ये इसके पिकअप लोकेशन क्या है ना, वहाँ पे मटेरियल मैंने लोड किया, थर्ड फ्लोर पे गया था बिल्डिंग में, तो वहाँ से मटेरियल लोड किया हूँ। कुछ 100 बॉक्स के 110 बॉक्स है छोटे छोटे चॉकलेट्स के, तो वो पूरा पैकिंग किया हुआ है, वो आपको मैं ड्रॉप लोकेशन में बता दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं जाता हूँ उनके ड्रॉप लोकेशन, क्योंकि बहुत फटाफट ये ट्रिप कम्प्लीट करना है, क्योंकि अब तक ज़्यादा इतना अर्निंग हुआ नहीं इसके वजह से। कोई बात नहीं, शाम तक देखते हैं अपना अर्निंग कितना होता है। 1500 से 1600 तक का टारगेट रखा हुआ आज, सो देखते हैं यही अपने को कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो आपको तो पूरा लास्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा कितना अर्निंग हुआ, और मेरा 1 वीक का अर्निंग आपको मैं जल्द अभी बताने वाला हूँ। जस्ट ड्रॉप लोकेशन पूछते और आपको पूरा बता देता हूँ। मेरा सेकेंड गुड न्यूज़ आपको मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, देखो ये पूरा चॉकलेट का पूरा बॉक्स है। अभी मैं आ चुका कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ये पूरा ड्रॉप लोकेशन है। और इतना ही मटेरियल था ये, कम से कम कुछ 120 तक कुछ बॉक्स है, ये पूरा वहाँ पे मैंने लोड किया हूँ। वो अभी वो उनका आदमी आए यहाँ पे अनलोड करने के लिए, तो फटाफट अभी अनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? तिथे पण खूप टाइमच लागला लोड करायला। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, अभी मैंने ट्रिप उठा लिया फोटो ऐप का, इसका पिकअप लोकेशन है अंधेरी का ही है, इसका ड्रॉप लोकेशन भी मरोल का ही है, मतलब वही अंधेरी मरोल का ही है। तो इसका पिकअप लोकेशन देखते कितना दूर है, अभी ज़्यादा दूर होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। अरे यार 200 मीटर पर बस पिकअप लोकेशन है। चलो जाते हैं सीधा इनके पिकअप लोकेशन, ठीक है? तो ठीक है सर, मैं आ चुका कस्टमर के पिकअप लोकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ये B3 है, और इनका पिकअप लोकेशन नंदा किशोर इंडस्ट्री है, वहाँ पे इनका पिकअप लोकेशन था। तो क्या ही बोलो बताओ यार, कस्टमर जिन्होंने बुक किया ना उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, और जिन्होंने बुक किया ना मैं उनका ही पिकअप लोकेशन में उनका ही नंबर है, और ड्रॉप लोकेशन में उनका ही नंबर है, उनको कॉल कर रहा हूँ 10 मिनट से। 2 मिनट पहले मेरे से बात की है, अब 10 कॉल लगा चुका हूँ, क्या ही करे बताओ। काका भी पूर्ण परेशान है, नंतर मग आम्हाला जर मी काय उलटं बोलू ना कस्टमरला, कस्टमर आमची कंप्लेंट करतात। आता तुम्ही सांगा किती वेळ त्याला कॉल केला। ऐसे ऐसे कस्टमर दिन में 10 मिळते, 10 तरी भेटतात असे, तर काय करणार आता?
हिरा लगते कॉलेज उचलत नाही माझा 10 मिनिटं झाले आता बघणार 5 मिनिटं वेट करणार डायरेक्ट मग त्या पोर्टरच्या कस्टमरला बोलणार ट्रिप कॅन्सल करा दुसरी ट्रिप बोला त्याला माहित पडेल आता बघा आता ही गाडी आली आता या गाडीला जायला जाणार रस्ता जायला लागेल पास हो जाएगा क्या आगे लू जाईल थैंक यू अंकल। सो फाइनली अभी कस्टमर ने भाई कॉल उठा ली है और मैंने अभी मटेरियल पूरा लोड कर लिया ठीक है आप देख सकते हो देखो ये पैनासोनिक का टीवी है 5 TV पूरा लोड करके पूरा अच्छे से पूरा बांध दिया मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो तो अभी इसको बंद कर और निकलते अपने ड्रॉप लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है अपना ड्रॉप लोकेशन नज़दीक ही है कुछ 2.9 किलोमीटर का मेरा सिर्फ ड्रॉप लोकेशन है तो इसे ड्रॉप करते और वापस रेडी होते नेक्स्ट ट्रिप के लिए तब तक थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ खा भी लूँगा क्योंकि बहुत मतलब बहुत भूख लग चुका है सच्ची में मुझे अब तक इतनी ज़्यादा इतनी खास इतने मेरी अर्निंग होनी चुकी है मतलब क्या क्या ही बोले भी बता मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोले कस्टमर ने पूरा दिमाग पूरा पागल कर दिया सच्ची में सो ज़्यादा इतना बोलते नहीं अभी सीधा निकलते अपने ड्रॉप लोकेशन वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ फिर वापस व्लॉग अपना कंटिन्यू करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे पूरा है जो टीवी ना थी पूरा मुझे लोड करना है इसका पैसा अलग से भाई ज़्यादा नहीं चार्ज अब तक 2 TV अनलोड हो चुका है अभी 3 TV बचा है भाई कस्टमर ने मतलब बोलते ना पहले गुस्सा दिलाया बाद में पूरा दिल खुश कर दिया आपको मैं पूरा बताऊंगा मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसा लिया है भाई चमक गया अभी बज चुके लगभग 7:55 और अभी मैं हूँ बैंड्रा में बैंड्रा टर्मिनल्स के पास जैसे कि आप देख सकते हो देखो ये पूरा बैंड्रा टर्मिनल्स है वहाँ पे देखो ये पूरा देखो ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है और अपनी लाल परी देखो यहाँ पे खड़ी कर दिया आपको मैं बता देता हूँ ये कौन सा ट्रिप है कोटा का ट्रिप है लास्ट ट्रिप है मेरा और आपको मैं ये भी बता दूंगा मेरा अर्निंग कितना हुआ और मैं कितना आज एक्स्ट्रा पैसा कमाया वो सब आपको पूरा शेयर करूँगा तो एक्चुअली देखो अभी जो 5 गोने लेके आया था वो भी आपको पूरा मैं बता देता हूँ देखो ये देखो पूरा 5 गोनी है ये देखो ये पूरा 5 गोनी है ये पूरा यहाँ पे अनलोड पूरा होने वाला है और इसका एक्स्ट्रा पैसा मैं लूँगा क्योंकि है ना भाई भी क्या ही बोलो कस्टमर ने पूरा पागल कर दिया पिकअप लोकेशन पे भी इतना टाइम लगाया अभी जो ड्रॉप लोकेशन है ना यहाँ पर भी लोग इतना टाइम लगा रहे तो आपको मैं बता दूंगा कितना अपने को वेटिंग चार्ज मेरे को मिलने वाला है पोटर पर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है और एक प्रॉब्लम हो चुका है गाड़ी में क्लच पेड चला गया भाई सुबह सुबह भी मुझे क्लच पेड नया डालना पड़ेगा मतलब 1800-1700-2000 तक का लॉस अभी लॉस ही इसको बोल सकते अभी क्या ही बोलेंगे मतलब प्रॉफिट तो नहीं अपने पूरा लॉस है और गाड़ी को पूरी बनवती लग चुकी है सच्ची में एक तो इतना ऑयल पल्टी हुआ फिर उसके बाद अभी क्लच पेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी ये सब प्रॉब्लम्स को भी हटाना है इसलिए पूरा गाड़ी को पूरा खर्चा करूंगा ठीक सो चले दोस्तों अभी सीधा निकलते हैं अपने घर क्योंकि अभी लगभग 8:40 हो रहे आज बहुत मतलब बहुत लेट हो चुका है और है ना आज अर्निंग हुआ लेकिन कुछ है ना भाई मतलब नहीं यार जो मेरे को जो टारगेट सेट किया था मैंने टारगेट तो कम सेट किया था लेकिन एक हिसाब से देखो अभी मैं इतना टाइम रुक रहा हूँ ना मतलब मेरा अर्निंग कम से कम मेरा 3000 के ऊपर जाना चाहिए लेकिन अभी क्या ही बोलूं बताओ आज का अर्निंग है ना पोटर रैपर सिर्फ 1850 का हो चुका है आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो देखो और एक्स्ट्रा इनकम मैंने आज 1300 बोल रहा हूँ 350 रुपये आज कमा लिया हूँ जो कैसे कैसे एक्स्ट्रा इनकम कमाया वो आपको मैं पूरा पार्किंग में बताऊंगा और एक दूसरी गुड न्यूज है आपको मैं शेयर कर देता हूँ अभी जो लास्ट वीक था ना ये अभी जो गया वीक आज तो सोमवार है तो जो गया वीक था ना मंडे से लेके फ्राइडे तक मैंने कम से कम पोटर ऐप पर है ना अर्निंग देख लो सिर्फ मेरी 10,000 क्रॉस कर लिया 10,000 क्रॉस सोचो यार इतना इनकम में कर लिया ना तो महीने का नहीं नहीं बोले तो कभी भी कुछ 55-60 अराउंड पकड़ लो इतना मैं अर्निंग कर पाऊंगा पोटर ऐप से लेकिन इतना होता नहीं है जितना भाई मैं अभी कैलकुलेशन बता रहा हूँ पूरा मेरे ऊपर है हो भी सकता है
बहुत लोग करते भी है मेरे ऊपर है, और मैं बहुत आलस बना कर रहा था, लेकिन अभी अपने काम पे पूरा फोकस हो चुका हूँ। लेकिन गाड़ी की हालत देख के आया ना मेरे को बहुत, मतलब बहुत दया आ रही है, मुझे क्या ही बोलूँ बताओ। वैसे कादर भाई को मैंने कॉल करके बोल दिया था कितना इतना प्रॉब्लम है, वो बोले कि ठीक है दो तीन दिन चला फिर उसके बाद लेके आप पूरा क्लच पेट चेंज कर दे। वैसे इतना कुछ इशू नहीं है क्योंकि गाड़ी तू ही चला रहा है, कोई दूसरा नहीं चला रहा है, गाड़ी अभी मैं ही चला रहा हूँ, उतना संभाल के चला कि मुझे पता। लेकिन तभी भी दो तीन दिन में पूरा क्लच पेट चेंज कर देंगे, पॉसिबल हो तो कल भी चेंज कर दूंगा, जब चेंज करूंगा आपको मैं पूरा ब्लॉग में बता दूंगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ अभी अंधेरी में, तो घर जाते जाते कम से कम 10 तो बज ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है। फिर क्या ही बोलेंगे बताओ यार, ये अपना लाइन है, और अब तक कुछ खाया नहीं हो, सिर्फ पानी पिया कुछ खाया नहीं हो। फिर घर जाके भाई खाना खाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और भाई काम करने में ना भाई मेरे को भूख ही नहीं लगता, जो मैं आपको पूरा गाइड बता देता हूँ, भूख नहीं लगता। मेरी मम्मी को भी पता है बहुत चिल्लाती हो, नहीं खाता तो अभी जाने दो। अभी रनिंग गाड़ी में आपको पूरा बता देता हूँ मैंने एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाया 350। तो आपको पूरा भाई पूरा कैलकुलेशन कर लो, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो 100 रुपये कौन सा मालूम है, जो सेंटा क्रूज बेचते थे, मैंने थर्ड फ्लोर से जो मटेरियल लेके आया चॉकलेट्स का, वो मैडम ने 100 रुपये दिया, प्लस 150 कौन सा मालूम है, जो टीवी देखो था पैनासोनिक का जो 5 TV, मैं उसका 150 रुपये मैंने लिए एक्स्ट्रा। और लास्ट का जो 100 रुपये था वो अभी का जो कस्टमर ने मेरे को दिया, क्योंकि इतना टाइम वेटिंग, और वेटिंग ज्यादा मिला नहीं, फोटो है पर जैसे आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, देखो 45 रुपीज मिला। तो बोलो ना भाई फोटो भी इतना मिलता नहीं है भाई, आप निकालने की कोशिश करो, सिर्फ थोड़ा दिमाग का यूज करो बस, बाकी कुछ नहीं। आप जिसको भाई कमाने का जरिया है उसको मालूम रहता है, वो बराबर कमा ले जाए। वैसे भाई मैं जो है मुंह पाड़ कस्टमर को बोल देता हूँ इतना इतना पैसा लगेगा, नहीं तो बोलो, नहीं तो मैं जाता हूँ। सीधी बात नो बकवास, बराबर कि नहीं, पूरा 100 प्लस 150 प्लस 100 पूरा टोटल करोगे ना 350 प्लस 1850, ये भी पूरा टोटल करो, आपको मेरी अर्निंग मालूम पड़ जाएगी कितनी। अभी कैलकुलेशन करने की कुछ गरज नहीं है, 2000 प्लस है। अभी ज्यादा इतना कुछ बोलता नहीं क्योंकि अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे दोस्तों में, और चैनल पे नहीं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।